नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेटोलॉजी में। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है 1857 के विद्रोह के परिणाम। इसके पहले मैंने दो वीडियोस डाले थे 1857 के विद्रोह के कारणों के ऊपर और 1857 के विद्रोह के स्वरूप के ऊपर। तो कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे मांग की कि 1857 के विद्रोह के परिणामों के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, तो वो वीडियो आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। 1857 का विद्रोह बड़ा ही महत्वपूर्ण विद्रोह था, क्योंकि इसके बाद हम ये देखते हैं कि भारतवर्ष में जो स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ उसने एक नया मोड़ ले लिया 1857 के विद्रोह के बाद। उसके पहले 1857 के विद्रोह के पहले छिटपुट विद्रोह होते थे, छोटे मोटे बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत जगह विरोध के स्वर फूटे देश के कई कोनों में। लेकिन 1857 का विद्रोह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए इकट्ठे। और वो परिवर्तन क्या थे तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मित्रों, इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत के साथ अपने संबंधों और अपनी नीतियों का पुनः सिंहावलोकन किया और उन्होंने भारत की पारंपरिक संस्थाओं तथा उच्च वर्गों को बनाए रखने की नीति अपनाई। अभी तक वो क्या कर रहे थे, जैसे जो भारतवर्ष की जो संस्थाएं थी, जो हमारी संस्थाएं वगैरह थी, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उसमें सुधार वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ जो है वो उच्च वर्गों के साथ भी उनकी बहुत ज़्यादा सहानुभूति नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी नीति बदल दी और उन्होंने उच्च वर्गों को बनाए रखने की नीति अपनाई। और इसके अलावा इस विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी दूसरे देश पर जबरदस्ती अपना शासन लादा तो जा सकता है, परंतु वहाँ की जनता का सद्भाव नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ की जनता आपका आदर करे, आप जबरदस्ती किसी देश के ऊपर अधिकार कर लें और ये भी अपेक्षा करें कि वहाँ की जनता जो है वो आपकी इज्जत करेगी, तो ऐसा नहीं था। ये बात जो है वो अंग्रेजों ने महसूस कर लिया। तो मित्रों, यद्यपि जो विद्रोही थे 1857 की क्रांति के, वो भारत को स्वतंत्र तो नहीं करा पाए अंग्रेजों से, यानी किसी न ही ब्रिटिश साम्राज्य को या ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को समाप्त कर पाए, फिर भी उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया, एक चेतावनी उन्हें दे दी कि अब आगे आने वाले दिन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अच्छे नहीं होंगे, उन्हें बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ेगा। इस विद्रोह का एक तात्कालिक प्रभाव यह भी हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर दिया गया तथा भारत की सरकार का कार्य सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाने लगा। तो इससे केवल भारत पर नियंत्रण करने वाले ढांचे में ही परिवर्तन नहीं आया, बल्कि भारत में ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी वो उस पर भी हम ये देखते हैं कि प्रभाव पड़ा, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन होने से काफ़ी अंतर आ गया पहले के प्रशासन में और 1857 के बाद का, यानी 1858 से जो प्रशासन प्रारंभ हुआ ब्रिटिशर्स का, उनमें आप स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। इस विद्रोह के बाद सरकार ने देसी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति का परित्याग कर दिया। उन्हें यह भी एहसास हो गया कि देसी राज्यों से उन्हें मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए, क्योंकि देसी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके वो अपने साम्राज्य की जनता से होने वाले जनता के द्वारा होने वाले विद्रोहों से बच सकते हैं। यानी कि अगर देशी राज्य जो है उनसे मित्रता कर लेंगे तो जो राजा हैं वो राजा जो है अपनी प्रजा को ब्रिटिशर्स के खिलाफ
विद्रोह न करने के लिए कहेंगे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आम जनता के विद्रोह से बच जाना चाहते थे, उनका ऐसा मानना था। परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य के कार्यों में इन राजाओं को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई या ये राजा जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ बहुत सहानुभूति रखते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि जो ब्रिटिश रेजिडेंट हर राज्य में रखे जाते थे सब्सिडियरी अलायंस के बाद, यानी सहायक संधियों के बाद, तो वो रेजिडेंट्स जो है वो देशी राज्यों के कार्यों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे और वो इनके ऊपर, राजाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते थे। तो इसलिए नतीजा ये हुआ कि इन रेजिडेंटों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नियंत्रण स्थापित किया देशी राज्यों के ऊपर, और वहाँ पर आधुनिकता के नाम पर बहुत सारे जैसे यातायात वगैरह के साधनों का विकास किया जाने लगा, और भी कुछ वहाँ उन राज्यों में कुछ कार्य वगैरह शुरू किया, क्योंकि वो ये चाहते थे, ब्रिटिश चाहते थे कि उनका जो व्यापार वाणिज्य वगैरह है वो देश के कोने कोने तक पहुँचे, हर जगह पहुँचे, जिससे कि वो आर्थिक रूप से लाभ कमा सकें। तो इस तरह से अगर उन्होंने थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह का काम शुरू किया तो इससे उनको इन राज्यों में हस्तक्षेप करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही साथ हम जमींदारों की बात करें तो जमींदारों को भी ब्रिटिशर्स ने अब मिलाए रखने की नीति अपनाई। 1885 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने परंपरागत ढांचे को बनाए रखना चाहा, उन्होंने ये चाहा कि परंपरागत ढांचे को अगर बनाए रखा जाए तभी उनके लिए वो उपयोगी होगा। यद्यपि जो जमींदारियां थी उनको फिर से स्थापित की गई, फिर भी जमींदारों की स्थिति में कुछ परिवर्तन, आधारभूत परिवर्तन भी आ गए थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस स्वामी भक्त वर्ग की स्थापना के दीर्घकालीन परिणाम अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक रहे, क्योंकि ये जो जमींदार थे वो एक तरह से एक लॉयल क्लास था जो कि अंग्रेजों ने तैयार किया था, जो समय समय पर इनका सपोर्ट करते रहते थे, इनकी नीतियों का इनका समर्थन करते रहते थे। तो इस विद्रोह के पश्चात कुछ प्रशासनिक परिवर्तन भी किए गए, जैसे कि अंग्रेज अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि विद्रोह का कारण ये था कि वो भारतीय क्या चाहते थे, भारतीयों के मन में क्या था, इस बात को जो ब्रिटिशर्स थे वो भांप नहीं सके, तो ऐसा उनका ये मानना था, इस तरह का तर्क वो देते थे। और तो इसी को दूर करने के लिए उन्होंने 1861 ईस्वी में एक एक्ट पास किया, कानून पास किया, और उस कानून के अंतर्गत विधान परिषद के कार्य केवल कानून पास करने तक ही सीमित कर दिए गए, और साथ ही साथ यह व्यवस्था की गई कि जिन भारतीयों को इसका सदस्य नियुक्त किया जाए, इसमें जो है 3 भारतीय थे, तो 3 भारतीयों को इनका सदस्य नियुक्त किया गया विधान परिषद का। और ये सदस्य जो थे, यद्यपि ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, परंतु ऐसा अंग्रेजों का ऐसा मानना था, ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि इसका फिर भी एक महत्व ये था कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय आम जनता जो है वो ये समझेगी कि हमारे प्रतिनिधि भी वहाँ पर हैं विधान परिषद में, और साथ ही साथ जो है अंग्रेज ये भी कह सकेंगे कि उन्होंने भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। हालांकि जैसे कि मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि ये जो प्रतिनिधि थे वो जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। इस विद्रोह के अनुभव के बाद सेना में भी बहुत सारे सुधार किए गए। जैसे आप देखिए, सेना जो कि इसको सिपाही विद्रोह नाम दिया था ब्रिटिशर्स ने, और हमारे बहुत सारे जो भारतीय इतिहासकार, हमारे बहुत सारे भारतीय इतिहासकार भी इसको सिपाही मिटनी ही कहते हैं। तो सिपाही विद्रोह के कारण उन्होंने ये देखा कि जो सिपाही थे, ब्रिटिशर्स ने देखा कि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के विद्रोह में हिस्सा लिया था, तो इसलिए उन्होंने सेना में सुधार करने का विचार किया, और यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात उन्होंने सेना में 1-2 का निश्चित कर दिया। इसके पश्चात एक काम उन्होंने और किया कि उन्होंने उच्च जाति के हिंदुओं
में से सैनिकों की भर्ती बंद कर दी। उनके स्थान पर जो बीच की जातियां थी, यानी कि जो न उच्च जाति के थे न निम्न जाति के थे, जो बीच की जातियां थी, तो बीच की जातियों के हिंदू, सिख, पठान तथा गोरखा इत्यादि जो थे उनकी भर्ती की जाने लगी। सेना की व्यवस्था क्षेत्रीय और अन्य विभिन्नताओं को कायम रखते हुए की गई, ताकि विभिन्न टुकड़ियों में एकता की भावना न पनपे। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भी देखिए आप तो हमारी जो सेना है, तो कहीं गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इस तरह से जातियों में बंटी हुई है। आज भी कभी इसको दुरुस्त करने का ख्याल नहीं आया किसी भी सरकार के मन में, तो एक परंपरा बन गई है उसी समय से जब ब्रिटिशर्स ने उनको जातियों के आधार पर बांटा। तो ब्रिटिशर्स का उद्देश्य वहाँ यह था कि इनमें विभिन्न जो सेना की विभिन्न टुकड़ियाँ हैं उनमें एकता न स्थापित होने पाए। तो मित्रों, इस विद्रोह का ठोस प्रभाव भारतीयों और अंग्रेजों के पारस्परिक संबंधों के ऊपर भी पड़ा। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो उनकी सामाजिक नीतियाँ थी, यानी कि जो समाज के प्रति उनकी नीतियाँ थी भारतीय समाज के प्रति, अब वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए उन नीतियों को लागू करने में। उनमें से बहुतों का विचार यह था कि उनकी जो समाज में सुधार लागू करने तथा ईसाई धर्म के प्रचारकों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण की नीति थी, उसने भी विद्रोह की भावना को उत्पन्न करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उन्होंने यह सोचा कि यहाँ के लोगों की परंपराओं और पूर्वाग्रहों का ध्यान रखना ही उनके लिए श्रेयस्कर होगा तथा उनका उद्देश्य शांति बनाए रखना होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ईसाई धर्म से संबंधित स्कूल वगैरह जो थे उनका जो अनुदान था, जो अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता था, तो उन अनुदानों को कुछ जगहों पे बंद कर दिया गया या उसको कम कर दिया गया। तो 1857 के विद्रोह ने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अंत नहीं किया, बल्कि इससे पुराना जो सामंतवादी ढांचा था वो भी अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि भारत का जो समाज था वो सामंतवादी ढांचे में बटा हुआ था। बहुत समय से हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल में भी सामंतवाद का बोलबाला था, उसके बाद मध्य काल में भी सामंतवाद का बोलबाला है। एक सामंती वर्ग जो है समाज में हमेशा ही रहता है। तो जो पुराना, अब जैसे जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार जब कारण बताते हैं 1857 के विद्रोह का, जैसे आप रजनी पामदत्त को पढ़िए या और भी जो दूसरे मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, तो उनका यह कहना है कि जो पुराना सामंतवादी ढांचा था, जो है जो पुराने सामंत वगैरह थे, राजे महाराजे थे, ये उन लोगों का एक प्रयास था कि किसी तरह से हम फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएं। तो यहाँ यही बात हम कर रहे हैं कि इस विद्रोह ने न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किया, बल्कि इससे पुराना सामंतवादी ढांचा जो था वो भी अस्त व्यस्त हो गया। इसके पश्चात भारत के लोगों ने अपनी सभी कमजोरियों के बावजूद हमेशा भविष्य की ओर देखा तथा पुरानी सामंतवादी व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। अंग्रेजी राज भारत में वो एक ऐसे अभिजात वर्ग के ऊपर निर्भर हो गया अब, जिसका भविष्य ब्रिटिश राज से जुड़ा हुआ। ये अभिजात वर्ग कौन था? ये अभिजात वर्ग वही था जो हमने आपको बताया कि उन्होंने अपने लिए एक लॉयल क्लास तैयार कर लिया था, एक स्वामी भक्त क्लास, एक स्वामी भक्त वर्ग तैयार कर लिया था अंग्रेजों ने, जो उनका समर्थन किया करता था। तो उन्होंने ब्रिटिश, तो यहाँ एक बात और है कि जो भारत का जो मध्य वर्ग था उसके ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ा 1857 के विद्रोह के बाद। हमें देखते हैं मध्य वर्ग जो था वो कहीं ना कहीं विद्रोह का समर्थन करता था, तो मध्य वर्ग जो है उसने ब्रिटिश सरकार के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया था और सरकार के साथ सहयोग करना छोड़ करके अब उन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन करने का मन बना लिया था। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ इसके बाद हुआ। आप जैसे कि सावरकर ने जो है ये कहा कि
1857 का विद्रोह जो था वो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि धीरे 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 राष्ट्रीय चेतना लोगों में प्रबल होती चली गई, और फिर आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन ने एक स्पष्ट स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो इस विद्रोह के दौरान जो जातीय वैर भाव वगैरह पैदा हुआ था उसने ब्रिटिश तथा ब्रिटिशर्स को और भारतीयों के मध्य अविश्वास और संदेह की भावना को दृढ़ कर दिया था। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपनाई गई जो भारतीयों के प्रति उदार नीति था अब उसका उन्होंने परित्याग कर दिया, और उन्होंने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि भारतीय समाज रूढ़िवादी है, भारतीय समाज गतिहीन है, भारतीय समाज जो है वो प्रगति से अछूता है, भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है, भारतीय समाज अंधकार में डूबा हुआ है। तो इसीलिए यूरोपीय लोग, भारतीय लोग यूरोपीय सभ्यता के संपर्क में आने पर जो लाभ होने की संभावना है उनको वो उसकी कद्र करना नहीं जानते। यानी कि ब्रिटिशर्स ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जो है वो यूरोपीय सभ्यता के संपर्क में आकर उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वो यूरोपियंस की कद्र नहीं करते, उनके विचारों की कद्र नहीं करते। तो भारत के लिए यह अच्छा है कि भारत पर प्रबुद्ध अंग्रेजी साम्राज्य या जो ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसका अधिकार भारत पर बना रहे, तो ये भारत के लिए अच्छा होगा, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। परंतु इस सिद्धांत का वास्तविक आधार जो था वो भारतीयों की रूढ़िवादिता नहीं थी, बल्कि साम्राज्यवाद की मूलभूत आवश्यकताएं थी जो अंग्रेजों को इस तरह के बयान देने के लिए मजबूर कर रही थी। तो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए रखने तथा भारतीयों को ऊंचे ओहदों से वंचित रखने के लिए अंग्रेजों को एक बौद्धिक औचित्य की आवश्यकता थी। तो मित्रों, इस प्रकार 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, इसमें असैनिक लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार की, जिसे फिरंगी सरकार भी कहा जाता था, उसकी आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों और रवैयों के विरुद्ध एक विद्रोह था, एक व्यापक विद्रोह था। इसमें केवल सिपाहियों ने नहीं बल्कि इसमें आम जनता ने भी भाग लिया था। आप देखते हैं कि जब जिस समय विद्रोह हो रहा था तो आम जनता जो है वो साहूकारों वगैरह के खिलाफ या जिनसे उन्होंने कर्ज लिए थे उनकी बहियां वगैरह जला रहे थे, फाड़ रहे थे, और भी वो सिपाहियों को सपोर्ट कर रहे थे, तरह तरह से उनकी मदद कर रहे थे। तो फिरंगी नीतियों के प्रति आक्रोश जो था वो बढ़ता ही जा रहा था, और अपनी सभ्यता व संस्कृति को बनाए रखने की कटिबद्धता ने सैनिकों और गैर सैनिकों को, जमींदारों और किसानों इत्यादि सभी को प्रेरणा प्रदान की, और इस सीमा तक इसे एक तरह से कहा जा सकता है कि यह स्वतंत्रता के युद्ध के लिए एक तैयारी कर रहा था भारत अब जो है। तो परंतु जो फिरंगी सरकार का विध्वंस करने पर तुले हुए थे उनके सम्मुख बहुत सारी कठिनाइयां थी। अभी कठिनाइयां ये थी कि जो लोग जो है फिरंगी सरकार का विद्रोह कर रहे थे उनके पास कोई व्यवहारिक और सकारात्मक योजना नहीं थी। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि यह विद्रोह भारतीय उपमहाद्वीप के सभी भागों में नहीं फैला। यह ठीक है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं हुआ था, और इसलिए उनसे एक तरह से यूरोपीय मॉडल पर राष्ट्रीय संघर्ष करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। फिर भी विचारणीय है कि यद्यपि अंग्रेजों की नीतियों का सारे भारत में, हम कह सकते हैं कि सारे भारत में एक समान प्रभाव पड़ा था, फिर भी सारे भारत के लोगों ने उनका प्रतिरोध समान रूप से नहीं, एक समान रूप से नहीं किया, कहीं पे ज़्यादा था, कहीं पे कम था। तो अभी भारतीयों को वैचारिक स्तर पर तैयार होना था, उनको एक व्यवहारिक कार्यक्रम बनाना था, और उनके सामने अभी बहुत सारी कठिनाइयां थी जो कि धीरे धीरे आगे आने वाले समय में दूर हुई। तो 1857 के विद्रोह को, चाहे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
माना जाए अथवा संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष माना जाए, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस समय जो घटनाएं घटी थी, यानी 1857 के विद्रोह के समय जो घटनाएं घटी थी, वो आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। झांसी की रानी के बलिदान को कौन भुला सकता है, तात्या तोपे के बलिदान को कौन भुला सकता है, कुंवर सिंह के बलिदान को कौन भुला सकता है, बेगम हजरत महल के बलिदान को कौन भुला सकता है। तो ये सब जो थे, ये सब राष्ट्रवादियों के प्रेरणा स्रोत बन गए। घर घर में इनकी कहानी कही जाने लगी, घर घर में इनके किस्से कही जाने लगे, तथा ये जो कैरेक्टर्स थे ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने, जो कि सिपाही मिटनी नामक इन्होंने किताब भी लिखी है, जिन्होंने इस विद्रोह का ना इन्होंने इस विद्रोह को न तो राष्ट्रीय आंदोलन माना है, न ही स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध माना है, और न ही इसे जन विद्रोह माना है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 1857 के विद्रोह को इतिहास में ब्रिटिश राज्य की पहली और सीधी ललकार कही जाएगी। यानी कि जो इतिहासकार ये नहीं मानते हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वो भी ये मानते हैं कि भारत के जो विद्रोही थे उन्हीं ने ब्रिटिश साम्राज्य को पहली बार बड़े पैमाने पर ललकारा था, उन्होंने उनको चुनौती दी थी, और आगे चल कर के ये चुनौती जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, और ब्रिटिशर्स को समय समय पर अपनी नीतियों में परिवर्तन करने पड़े। तो 1857 के विद्रोह की यादों ने, 1857 के विद्रोह ने शायद अंग्रेजों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि 1857 के विद्रोह की यादों ने, उसके जो, जैसे मैंने बताया 1857 के विद्रोह के जो नेता थे वो लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए। अब जैसे एक इतिहासकार ने लिखा है कि कोई भी क्रांति कितनी सफल है कितनी असफल है, इस बात का निर्णय इस बात से किया जा सकता है कि जनता की स्मृति में वो किस तरह से बनी हुई है, जनता की स्मृति जो है वो किस तरह से उसको लेती है आगे, यानी आगे आने वाली पीढ़ियों को जब पुराने लोग 1857 के विद्रोह के किस्से सुनाते थे तो आने वाली पीढ़ी भी उससे प्रेरणा लेती थी। और आज भी अब जैसे जैसे शोध करने के तरीकों में परिवर्तन आ रहा है, शोध करने के बहुत सारे उपकरण हमारे पास आ गए हैं और बहुत सारा शोध हो चुका है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत सारी जो शोध प्रविधियां हैं वो विकसित हो गई हैं, तो अब बहुत सारी नई नई बातें सामने आ रही हैं। जहाँ जहाँ विद्रोह फैला था लोग उन गांवों में जा रहे हैं, उन गांवों में जाकर के भी पता लगा रहे हैं, तो बहुत सारी नई बातें सामने आ रही, बहुत सारे ऐसे चरित्रों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं मिल सका है। तो मित्रों, धीरे धीरे ये इतिहास है, इतिहास निरंतर वर्धमान है, निरंतर नई नई बातें इसमें सम्मिलित होती रहेंगी, नए शोधार्थी नए विद्यार्थी इसमें नई नई बातों को जोड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस अपने चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ इसे शेयर भी करें इन वीडियोस को, जिससे कि सभी इससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।